साथियों देश ने कोरोना के खिलाफ अब तक बहुत मजबूती से और बहुत धैर्य से लड़ाई लड़ी है इसका श्रेय आप सभी को सभी देशवासियों को ही जाता है अनुशासन और धैर्य के साथ कोरोना से लड़ते हुए आप देश को यहां तक लाए हैं मुझे विश्वास है जन भागीदारी की ताकत से हम कोरोना के इस तूफान को भी परास्त कर पाएंगे आज हम अपने चारों ओर देख रहे हैं कि कैसे कई लोग कई सामाजिक संस्थाएं जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाने में दिन रात जुटे हैं दवाई पहुंचाना हो खाने या रहने की व्यवस्था करनी हो लोग पूरे मनोयोग के साथ काम कर रहे हैं मैं इन सभी के सेवा भाव को आदरपूर्वक नमन करता हूं और देशवासियों से अपील करता हूं कि अधिक से अधिक मात्रा में इस संकट की घड़ी में देशवासी आगे आएं और जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाएं समाज के पुरुषार्थ और सेवा के संकल्प से ही हम ये लड़ाई जीत पाएंगे मेरा युवा साथियों से अनुरोध है कि वो अपनी सोसाइटी में मोहल्ले में अपार्टमेंट्स में छोटी छोटी कमिटियां बनाकर कोविड अनुशासन पालन करवाने में मदद करें हम ऐसा करेंगे तो सरकारों को न कभी कंटेनमेंट जोन लगाने की जरूरत पड़ेगी न कर्फ्यू लगाने की जरूरत पड़ेगी और लॉकडाउन का तो सवाल ही नहीं उठता है आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी स्वच्छता अभियान के समय देश में जागरूकता फैलाने के लिए मेरे बाल मित्रों ने बहुत मदद की थी छोटे छोटे बालक पांचवीं सातवीं आठवीं दसवीं में पढ़ने वाले उन्होंने घर के लोगों को समझाया था मनाया था उन्होंने बड़ों को भी स्वच्छता का संदेश दिया था आज मैं फिर अपने बाल मित्रों से एक बात विशेष तौर पर कहना चाहता हूं मेरे बाल मित्र घर में ऐसा माहौल बनाइए कि बिना काम बिना कारण घर के लोग घर से बाहर न निकले आपकी जीत बहुत बड़ा परिणाम ला सकती है प्रचार माध्यमों से भी मेरी प्रार्थना है कि ऐसे संकट की घड़ी में वो लोगों को सतर्क और जागरूक करने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उसे और बढ़ाएं इसके साथ ही इसके लिए भी काम करें कि डर का माहौल कम हो सके लोग अफवाह और भ्रम में न आए साथियों आज की स्थिति में हमें देश को लॉकडाउन से बचाना है मैं राज्यों से भी अनुरोध करूंगा कि वो लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में ही इस्तेमाल करें लॉकडाउन से बचने की भरपूर कोशिश करनी है और माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर ही ध्यान केंद्रित करना है हम अपनी अर्थव्यवस्था की सेहत भी सुधारेंगे और देशवासियों की सेहत का भी ध्यान रखेंगे